नमस्कार, नमस्ते बिहार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार, मैं हूँ आपके साथ शिप्रा झा। और वैशाली से बड़ी खबर, जहाँ बड़ा हादसा हो गया है, करंट लगने से 9 कांवरियों की मौत हो गई है। हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। 9 लोग की जिंदा झुलसने से मौत हो गई है। तो बड़ा हादसा, दुखद हादसा, औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर में यह हादसा हुआ है। गंगा जल लेने पहलेचा घाट ये सभी लोग जा रहे थे, करंट लगने से डीजे ट्रॉली में आग लग गई। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि करंट की चपेट में आने से यह पूरा हादसा हुआ है और इस हादसे के बाद से मातमी माहौल है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने को लेकर के जुटी हुई है। तो वैशाली से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है करंट लगने से 9 कांवरियों की मौत हो गई है। एक तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए बिजली करकती हुई नजर आ रही है। और ये हाई टेंशन वायर की तस्वीर है जहां पर चपेट में आने से हादसा हुआ है। 9 लोग की जिंदा झुलसने से मौत हो गई है। औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर में ये बड़ा हादसा हुआ है। गंगा जल लेने ये पहलेचा घाट ये लोग जा रहे थे, हाई टेंशन वायर की चपेट में आ गए और इसमें 9 लोग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि करंट लगने से डीजे ट्रॉली में आग लग गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर डीजे ट्रॉली इस हादसे का शिकार हुआ, जहां पर आग लगी और झुलसने से 9 की मौत हो गई है। हाई टेंशन वायर वहां से गुजर रहा था जिससे डीजे ट्रॉली सटी और करंट दौड़ गया और ऐसे में इन लोगों की मौत हो गई। वहीं बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप भी लगाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें देखिए जो परिवार वाले हैं उनके यहाँ चीख पुकार है। हाजीपुर से बड़ी खबर है और एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। डीजे ट्रॉली में करंट आने के कारण जो उस पर सवार कांवरिया लोग थे जो जल लेने के लिए जा रहे थे उनकी मौत हो गई। करंट 11,000 तार जो है वो डीजे ट्रॉली में सट गया और उस पर सवार लगभग 10-11 लोग थे जिसमें से 9 लोग जो है वो झुलस कर मर गए हैं। जिसमें सबसे ये दुखद बात यह है कि सब जो है वो कम उम्र के हैं और ये सदर अस्पताल में अभी सभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे लाया गया है और पूरी प्रशासन और पुलिस जो है यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं यहाँ पे, चीख पुकार यहाँ पे मचा हुआ है और इस हादसे में 9 लोगों की जान गई। हालांकि मौत का आंकड़ा जो है कुछ बढ़ सकता है, देखिए किस तरह से इधर पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। मैं आपको बता दूं कि ये सुल्तानपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र का सुल्तानपुर गांव है जिस गांव में ये हादसा हुआ है। उस गांव के भी 4 लोग मृतक हैं और एक नगर थाना क्षेत्र के जड़ुआ का बड़ही टोला मोहल्ला है वहाँ के भी 4 लोग जो है इस हादसे के शिकार हुए हैं। तो 9 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है और सभी लोग जो थे वो डीजे ट्रॉली से लेकर जा रहे थे। आपको मैं बता दूं कि जल लेने के लिए पहले जा घाट जाते, वहां से फिर जल लेने के बाद जो है वो कल सोमवारी है, तीसरी सोमवारी है जिसपे वो जलाभिषेक करते। तो मैं इसमें 9 लोगों की मौत हुई है और मैं हमारे साथ जो है वो सदर SDPO उनसे बात करें। तो कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? अभी 9 लोगों की मृत्यु हुई है जी और कुछ लोग घायल हैं जी। आगे की क्या कुछ कार्रवाई से चल रही है? जो भी उचित कार्रवाई हम लोग करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम करा रहे हैं और जिला प्रशासन जो है जो भी मुआवजा होगा उन लोगों को मिलेगा। डीजे ट्रॉली में से करंट आ गया, हादसा कैसे हुआ? हादसा डीजे बंधा हुआ था और 11,000 का करंट तार में सट गया, गांव की बात है। तो स्पष्ट तौर पे जो ये घटना है ये काफ़ी दुखद घटना है और इस घटना से ये 9 लोगों की जान गई है और 9 लोगों के घर में जो है वो कोहराम मचा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी घटना और बड़ी खबर जो है वो वैशाली से सामने आई है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18, हाजीपुर। और सब आदमी गिर गया, करंट लगा था थरथरा के, सभी आदमी गिर गया। उसके बाद फिर सब आदमी सो गया, अपने आप भराश उड़ने लगा, तार पूरा बजा हुआ सब भाग गया, पूरा चीज भाग गया, आदमी सब 3-10 आदमी घायल हो गया। इसी घटना घटित हुई है। कितने लोग की डेथ हुई? 8 लोग की। झुलसे हुए भी 2 लोग हैं, सदर अस्पताल इलाज चल रहा है। 2 लोग हैं, 2 लोग जो मेन आपत्ति है कि 2 कर्मी हैं जिसको कॉल किए थे इन लोगों ने, मगर समय से नहीं आया। उन कर्मियों को हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो देखिए बड़ा हादसा और दुखद हादसा इस वैशाली जिले में हुआ है। तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि हाई टेंशन वायर और हाई टेंशन वायर की चपेट में ये डीजे ट्रॉली आ गया जिसमें 11 कांवरिये सवार थे जिसमें 9 की
झुलसने से मौत हो गई। अब देखिए मृतकों के जो नाम है वो भी अब सामने आ चुके हैं। अमरेश कुमार पिता इनके सनोज भगत जिनकी मौत हो गई है, रवि कुमार जिनके पिता धर्मेंद्र पासवान, राजा कुमार जिनकी मौत हुई है, पिता स्वर्गीय लालदास, नवीन कुमार पिता फुदेना पासवान, कालू कुमार जिनकी मौत हो गई। तो ये मृतकों के नाम बता रहे हैं, साथ ही साथ उनके पिता के का भी नाम बता रहे हैं। कालू कुमार के पिता परमेश्वर पासवान, आशिक कुमार की मौत हो गई है जिनके पिता मिंटू पासवान, अशोक कुमार मृतकों में शामिल हैं जिनके पिता मंटू पासवान, चंदन कुमार पिता चंदेश्वर पासवान, अमोद कुमार की मौत हो गई है जिनके पिता देवीलाल पासवान। तो ये मृतकों का नाम है और उनकी पहचान भी की जा चुकी है। वैशाली संवाददाता प्रफुल हमारे साथ जुड़े हैं। प्रफुल, क्या ये हाईटेंशन वायर नीचे से गुजर रही थी? बिजली विभाग पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, कैसे पूरा हादसा हुआ? जी देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं ग्रामीणों में आक्रोश है इस घटना को लेकर, और लापरवाही का आरोप जो है ग्रामीणों ने ये लगाया है कि जब बिजली विभाग को फोन की गई विद्युत काटने के लिए तो वहां पे फोन रिसीव नहीं हुआ और उस बिजली काटने में काफी विलंब हुई जिसके कारण है इतने लोगों की मौत हुई। ग्रामीणों का कहना था कि अगर समय पर बिजली काट दी जाती तो हो सकता था कि जो क्षति हुई है, जो मृतकों की संख्या वो कम होती। मैं आपको बता दूं कि ये सुल्तानपुर गांव से डीजे ट्रॉली लेकर और कांवर लेकर जो गांव के लोग हैं वो निकलने वाले थे। रात के करीब 11 बजे की ये घटना है और सभी जाते रात में पहले जयघाट, वहां से फिर जल लेकर आते और फिर हरिहरनाथ मंदिर और उसके गाँव के पास जो मंदिर है वहां पे जलाभिषेक करने की योजना थी। और इसके लिए गाँव के लोग जो थे वो निकले थे और उस ट्रॉली के ऊपर जो थे करीब 11 की संख्या में युवक चढ़े हुए थे और जैसे ही वो गांव में ट्रॉली से निकलना शुरू करती है वैसे ही ऊपर से गुजर रही थी 11,000 हाई टेंशन तार, 11,000 वोल्ट की तार। उसमें ट्रॉली का जो ऊपर का जो हॉर्न लगा होता है, जो 14-15-16 के संख्या में हॉर्न लगे थे, उस एक हॉर्न में पड़े तार का संपर्क होता है जिसके बाद पूरे ट्रॉली में बिजली आ जाती है, करंट आ जाती है और सभी लोग जो है कुछ लोग ऊपर से कूदने के चक्कर में और कुछ लोग जो है अफरा तफरी वहां पे मच जाती है और उसके बाद ट्रॉली में आग लग जाती है सर्किट के कारण, जो बिजली की करंट उसमें आई उसके बाद ट्रॉली में आग लग गई। किसी तरह कुछ लोग, एक दो लोग जो थे जो घायल हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है वो दो लोग ही बच सके, बाकी आसपास के जो लोग थे जो नीचे थे वो लोग किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाए। लेकिन नौ लोग जो ऊपर सवार थे जिसमें 8 की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक को गंभीर हाल में इलाज के लिए प्रशासन की टीम ने सदर अस्पताल भेजा जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। मैं आपको बता दूं, देर रात ही प्रशासन की पूरी टीम वहां पे पहुंची, एसडीपीओ एसडीएम तमाम आला अधिकारी जो थे वो वहां पे पहुंचे और किसी तरह से लोगों को शांत कराया, चूंकि लोग आक्रोशित थे। लोगों का ये कहना था कि ये बिजली विभाग की कहीं ना कहीं लापरवाही है कि अगर इतनी संख्या में लोगों की मौत हुई है इसको बचाया जा सकता, इसको कम किया जा सकता था। इसके बाद लोगों ने जो प्रशासनिक पदाधिकारी थे उन लोगों ने लोगों को आश्वासन दिया और शांत कराया, ये भी आश्वासन दिया कि चलिए। बिल्कुल प्रफुल्ल, बड़ा हादसा और इस हादसे पर नजर भी बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।